हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जानें, चार बड़ी खबरें हैं आप सभी से जुड़ी हुई। क्रिकेट बॉलर हरभजन सिंह प्रदेश के छोटे से शहर में आ रहे हैं, आप सभी उनसे मिल सकते हैं, देखते हैं उनके मुखजबानी। दूसरी जानकारी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी अब किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक होंगे, अर्थात सभी किसानों को किसान केसीसी का लाभ मिलेगा। तीसरी जानकारी है, प्रदेश के 40,000 गांवों में नल जल योजना शुरू करने जा रही है सरकार। चौथी जानकारी है, कक्षा 5वीं से 12वीं तक के रिजल्ट सुधारने के लिए शिक्षा विभाग का नया प्रयोग है। जानते हैं, चार बड़ी खबरें हैं आप सभी से जुड़ी हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी खबरों से लाभान्वित हो सके, और वीडियो पूरा देखिएगा। बालाघाट देवधर क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में वाराणसी में इंडियन टीम के मशहूर स्पिनर हरभजन सिंह का आगमन हो रहा है। क्रिकेट प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, चाहे तो आप भी मिल सकते हैं, देखते हैं उनका वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं हरभजन सिंह और मैं आ रहा हूं आपके शहर वाराणसी 12 फरवरी को। प्रदीप गुड्डा जायसवाल जी, शुक्रिया अदा, आपने मुझे वहां पे बुलाया है और मुझे मौका दे रहे हैं आप सबके साथ मुलाकात करने का। तो चलिए दोस्तों, देवधर ट्रॉफी का ये फाइनल है तेलीबाई ग्राउंड पे, तो सब वहां पे आप मौजूद रहिए, आप सबसे मुलाकात करके अच्छा लगेगा। छोटा सा शहर है बालाघाट का वाराणसी, वाराणसी तहसील में तेलीबाई स्कूल के ग्राउंड में मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह का आगमन हो रहा है। आप भी मिल सकते हैं और उनसे क्रिकेट के बारे में कुछ टिप्स ले सकते हैं। दूसरी जानकारी है, सरकार विशेष अभियान चलाकर 8 से 24 फरवरी तक सभी किसानों का बनाएगी किसान क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाने होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि नए आदेश में मुर्गी पालन, दूध कारोबारी और मत्स्य पालन हेतु भी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यह बात सतपाल चौधरी, DDM नाबार्ड और अग्रणी जिला प्रबंधक के जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान की। बजट 2020 में सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जितने भी किसान जुड़े हैं सबको KCC का लाभ दिया जाएगा और ये देश के सभी किसानों के लिए लागू होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए चलेगा अभियान। किसान कार्ड बनाने के लिए सभी बैंक 8 से लेकर 24 फरवरी तक विशेष अभियान चला रहे हैं। उन सभी किसानों को जिनको किसान सम्मान निधि मिल चुकी है उनको बैंकों से KCC जारी किए जाएंगे। निवाणी कलेक्टर अक्षय कुमार सी ने सभी किसानों से अपील की है कि वह किसान जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है और अभी तक KCC नहीं बनवाए हैं, वह अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में पहुंचकर अपना किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवाएं। उन्होंने बताया कि अभी तक अपने देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले 9 करोड़ 22 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से केवल 6 करोड़ 76 लाख किसान KCC का लाभ ले रहे हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्राप्त कर रहे हैं। बाकी बचे हुए 2 करोड़ 86 लाख किसान को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। इसलिए ऐसे किसान जो छूट गए हैं वह अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। यह प्रक्रिया 8 फरवरी 2020 से शुरू हो चुकी है और 24 फरवरी 2020 तक चलेगी। इसलिए मेरी भी आप सभी से अपील है कि आपने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो आप भी अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जा कर के किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। सबसे सस्ता लोन KCC से ही मिलता है। सरकार की योजनाओं का लाभ लें। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में 40,000 गांवों में घर घर पानी पहुंचाएगी कमलनाथ सरकार। एक दर्जन परियोजनाएं मंजूर की है सरकार ने, भोपाल नई दुनिया स्टेट ब्यूरो पर खबर है। राज्य सरकार अगले 4 साल में प्रदेश के 40,000 गांव में हर घर तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। शनिवार को जल निगम के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करोड़ों रुपए की एक दर्जन परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे इस प्रयास में नल जल योजना के माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। अब कैबिनेट में इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलेगी।
सीएम के निर्देश, गर्मी के मौसम में पानी को लेकर लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और प्रदेश में गर्मी में बहुत हालात खराब हो जाते हैं, इसलिए सरकार अभी से इस काम के लिए जुट गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि गर्मी के मौसम में पानी को लेकर लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। उन्होंने जिन योजनाओं में टंकी या अन्य निर्माण चल रहे हैं उन्हें जल्द पूरी करने को कहा है। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह, मुख्य सचिव एसआर मोहंती, पीएचई के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और इन अधिकारियों तथा मंत्रियों के बीच में यह प्रस्ताव पास हुआ है। अगली जानकारी है शिक्षा विभाग का नया प्रयोग, अब बताना होगा शिक्षकों को कि कितने छात्र 80% नंबर लाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों से फॉर्म भरवा रहा है। इस बारे में प्रदेश के सरकारी प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों के 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। विभाग इनसे प्रमाण पत्र भरवा कर बकायदा लिखित में यह गारंटी ले रहा है कि सालाना परीक्षा में उनके स्कूल में कितने विद्यार्थी 80% नंबर लाएंगे। इसके लिए इन स्कूलों के हेडमास्टरों एवं शिक्षकों को प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं और वे प्रमाण पत्र 15 फरवरी तक उन्हें भरकर शिक्षा विभाग को देना है। 5वीं से 12वीं तक कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट सुधारने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार कई प्रयोग किए हैं और कर रहे हैं, यह भी इसी का एक हिस्सा है। इसके लिए विभाग ने जिला एवं राज्य स्तर पर बैठक बुलाकर शिक्षकों से लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों तक को इसका खाका तक बता दिया था। पिछले हफ्ते स्कूलों में प्रधान अध्यापकों एवं शिक्षकों को फॉर्म भरने को दिए गए, इसे देखकर शिक्षक तथा प्रधान अध्यापक चौंक गए। इसमें यह साफ लिखा है यदि 80% से कम परीक्षा परिणाम रहता है तो उसके 3 कारण आपको बताने होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के दायरे में प्रदेश भर के 98,000 से ज़्यादा प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल आते हैं। तय प्रावधान के अनुसार हर प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक होना जरूरी है। हर मिडिल स्कूल में कक्षा 8वीं के लिए 2 या 3 शिक्षक का होना आवश्यक है। इस तरह 98,000 स्कूलों में 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं अभी वर्तमान में। गुस्साए शिक्षक अध्यापक संगठन बोले शिक्षा विभाग से परीक्षा के वक्त ऐसा बंधन रखना गलत है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के संरक्षक राम नरेश त्रिपाठी, प्रांताध्यक्ष निर्मल अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुभाष सक्सेना, महामंत्री अलका शर्मा ने कहा कि यह तरीका उचित नहीं है। एक तरफ तो शिक्षकों को साल भर ट्रेनिंग और मीटिंग में व्यस्त रखा जाता है, परीक्षा के इन मौके पर यह बंधन रखा जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव से मिलकर शिकायत दर्ज कराएंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह कोई बंधन नहीं है, राज्य स्तर से ऐसे कोई सख्त निर्देश नहीं है, लेकिन शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षकों से यह जानकारी मांगी जा रही है। वजह यह है कि RTI के प्रावधान के तहत सालाना परीक्षा के नतीजे आने के 2 महीने बाद 5वीं-8वीं कक्षा में कम अंक लाने वाले बच्चों की दोबारा परीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या का अनुमान पहले से लगाया जा सके, इसलिए यह जानकारी मांगी गई है। KPS तोमर, डिप्टी डायरेक्टर परीक्षा प्रभारी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। तो इस प्रकार से रिजल्ट के लिए सरकार शिक्षा विभाग पूरा अलर्ट है कि कक्षा 5वीं से लेकर के 12वीं तक के रिजल्ट सुधरने चाहिए। बड़ी खबरें थी आप सभी से जुड़ी हुई। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर।